अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए रेड कलर का बटन दबाएं और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो हमारी नई वीडियो आएगी आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी को दिख तकलीफ पहुंचाते हुए याद रखना कि तुम्हें भी मकाफात अमल से गुजरना है। एक चोर अपने बेटे के साथ कहीं चोरी करने जा रहा था तो एक घर की तरफ इशारा करते हुए बड़े फखर से अपने बेटे को कहने लगा, वो सामने जिस घर में दिया जल रहा है, इस घर को मैं 5 बार लूट चुका हूँ। चोर के बेटे ने कहा कि अब्बा जी, आपने 5 बार इस घर को लूटा, फिर भी वहाँ दिया जल रहा है और हमारे घर में फिर भी दिया नहीं जलता। वो फाका कुशी और अंधेरा है। याद रखे, हराम हमेशा निकल ही जाता, किसी भी सूरत में निकले, मगर निकलता जरूर है, ये तय है। किसी को बेसुकून करके आप खुद भी एक ना एक दिन बेसुकून जरूर हो जाएंगे। किसी को धोखा देंगे तो एक दिन वही धोखा घूम फिर कर बड़ी शिद्दत के साथ वापस आ जाएगा। किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो आपको भी इससे भी कड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मकाफात अमल कभी भी बता कर नहीं आता, मगर आता जरूर है और इसकी पकड़ इतनी शदीद होती है कि इंसान की चीखें सातवें आसमान तक जाती हैं। इसलिए किसी को दिख गम तकलीफ रनज नुकसान पहुंचाते हुए एक बार इतना जरूर सोच लेना कि तुमने भी मकाफात अमल से गुजरना है या जिंदगी में। सिर्फ इतना याद रख लेना कि तुम्हारी शिकायत कोई खुदा से ना करे।